जो उन्होंने कहा है निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। और एक हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 16 साल कार्यकाल रहा, जो त्याग तपस्या रहा है, ये रिकॉर्ड है, देश के अंदर रिकॉर्ड है कि कभी उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। IVTV देखता है इंडिया। देश में अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी जो है सरगर्मियां वो बढ़ चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो है कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और नए राष्ट्रपति का जो है चयन होना बाकी है। कौन राष्ट्रपति होगा इसको लेकर जो संशय बरकरार है। बहरहाल अब बिहार की सियासत में श्रवण कुमार के बयान के बाद ये कयास लगाया जा रहा है जो आखिर जो है श्रवण कुमार के बयान का मतलब क्या है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो है इसके लिए एकदम परफेक्ट व्यक्ति होंगे, लेकिन ऐसा कोई मनसा नहीं है। हमारे साथ जमा खान जी, हम सीधे सवाल लेंगे इनसे। जमा खान जी, ऐसा है जो श्रवण कुमार जी बड़ा गंभीर नेता माने जाते हैं और उन्होंने कहा है जो नीतीश कुमार के पास सारा सदन का सब कुछ का अनुभव है, सर्वोच्च मतलब राष्ट्रपति के लिए वो एक परफेक्ट व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं जो उम्मीदवारी का कोई अभी मतलब तय नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो है मुस्लिम चेहरा को लेकर के बातें सामने आ रही है, मुख्तार नकवी, इन तमाम लोगों का, नीतीश कुमार को लेकर के आपकी धारणाएँ क्या है? क्या राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में जमा खान भी है? देखिए, हमारे वो लोकप्रिय नेता हैं और आप जानते हैं कि पूरे देश के सिंगल अव्वल नेता हैं जो तमाम समाज के लोग मानते हैं, जानते हैं और सबके लिए करते हैं, काम करते हैं। कभी इन्होंने सुर्खियों में आने का कभी ये नहीं कहा कि मैं सुर्खियों में आ जाऊं, ये उनका शौक नहीं रहा है। अगर शौक रहा है, आपने देखा, हमने देखा, काम के प्रति सजग और सबको हम लोगों को भी निर्देशित करते रहते हैं आप काम करो। काम के नाम पर दुनिया जानती है, तो दुनिया जानती, देश के बहुत लोग चाहते हैं कि वो आगे जाएँ। तो ये फैसला, चूँकि हम एक कार्यकर्ता, अपने पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये फैसला हमारे और लोग जो बड़े सीनियर लोग हैं उनके हाथ में है, वो लोग करेंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 16 साल कार्यकाल रहा, जो त्याग तपस्या रहा है, ये रिकॉर्ड है, देश के अंदर रिकॉर्ड है कि कभी उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। अगर परिवारवाद करने की बात होती है तो पूरे बिहार प्रदेश के तमाम समाज वर्ग के लोग अपने परिवार मानकर काम करते हैं, विकास करते हैं। इसलिए इनके काम करने के तौर तरीका, इनका प्यार मोहब्बत, इनका प्रदेश में भाईचारा को देखकर दुनिया के लोग सलाम करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग भी ये वहाँ जाएं, कि बढ़ें आगे, कि हम लोग भी उनसे काम लें, हम लोग का भी काम हो। ये जनता का, दुनिया, देश की जनता का सोच है। बाकी आगे क्या करना है इसकी रणनीति आप जानते हैं। जमा खान जी, मेरा सवाल का जवाब आपने दिया, लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती है। ये बताइए, जो जमा खान जी को क्या ये चीज़ आपकी, आप भी इमेजिन करते हैं जो राष्ट्रपति बनेंगे तो ये आप सभी के पार्टी के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात होगी, आप ये मानते हैं? एकदम मानते हैं। जितना आगे बढ़ेंगे हम सब, सम्मान बढ़ेगा, बिहार का सम्मान बढ़ेगा। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि उनका बहुत सोच नहीं होता है, वो सिर्फ बिहार की जनता की देखने में, उनके मोहब्बत में, उनके काम में उन्हें पूरा समय दे दिया। हम सब लोग चाहते हैं कि वो आगे जाएं, आगे जाएं। बाकी तो तमाम बड़े नेता हैं जो करेंगे, उसमें सलाम हम लोग करेंगे। चलिए जमा खान जी, मैंने ये बात बता दी है जो मतलब अगर ऐसा होता है तो अच्छा रहेगा बिहार के लिए। अब उससे बात, बिहार की जनता भी इनको छोड़ना नहीं चाहती है। ये बहुत सारे दुनिया के लोग, देश के लोग चाहते हैं आगे जाएं, लेकिन जो बिहार का इनका प्रेम है, इनका जो बिहार का प्रेम हर वर्ग, हर समाज से है, वो बिहार के हर दलित, गरीब, कमजोर, किसी भी समाज के हों, वो लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं इनके कार्यों को देखते हुए, वो तो चाहते हैं बराबर यही बना रहे। अच्छा जमाखान जी, ये बताइए मतलब क्या आप लोग की तरफ से ये बातें अगर सामने आ रही थे, बीजेपी सहयोगी है उनके तरफ से ये बातें पर इस पर मंथन होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग भी एक कार्यकर्ता के नाते ये बातों को रख रहे हैं, बीजेपी को भी इस पर कहीं ना कहीं अमल करना चाहिए। अब ये उनकी बात है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हम लोग अपने नेता के ईमानदारी से पीछे रहना है। हमारे नेता जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ चलना है, निर्देश जो करते हैं उसके अनुसार हमको काम करना है। अब उसमें बीजेपी गठबंधन में है, हमारे एक भाई है, एक सहयोगी, हम लोग दल आपस के हैं, जो जैसे होगा, मिलजुल का होगा, अच्छा होगा। ठीक है, ये बताइए जो पैगंबर मोहम्मद पर जो बयान नूपुर शर्मा ने दिया, उसके बाद देश में माहौल और नियंत्रित हो रहा। रांची की घटना आपने देखी होगी, मोबाइल पर, टीवी पर देखा होगा, कैसे देखते हैं इसको? जो इन्होंने कहा है निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। और एक हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की बात नहीं है, पूरे भी जिसको भी जो आस्था का आस्था है, जिस भी धर्म के लोग हैं, जिस भी महापुरुष को मानते हैं, जिसके अनुयायी हैं, उनको बुरा लगेगा। तो ऐसा मैं कहूँगा, एक मैसेज दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिसने कहा उसको 6 साल को निष्कासित भी कर दिया है लोग, लेकिन ठीक है, हुआ लोगों में संयम नहीं है, ये भी हुआ ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा
चूँकि मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको निर्देशित करते रहते हैं, हम सब करते रहते हैं, अच्छे काम करिए, भाईचारा रखिए, उलझिए मत लोगों को, हम आज उलझेंगे हम यहाँ सेफ हो जाएंगे, हमारे गरीब जनता गांव में रहती है या जहाँ रहती है उनको नुकसान हो जाएगा, ये धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ नहीं, ये है कि ऐसा मैसेज होना चाहिए। संविधान में भी है, आप जानते हैं संविधान में भी है, किसी भी धर्म को किसी भी उसको आपको बुरा भला नहीं करना है, अपने सुरक्षा के अनुसार कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकता है और उसको मान सकता है, सुरक्षा के अनुसार उसमें दबाव नहीं डालना चाहिए, ऐसा जो भी करता है पार्टी संबंधित हो या हमारे जैसे भी संबंधित हो ऐसा गलत है, उनका मैं विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म को बुरा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ मंत्री जमा खान जी ने जिनसे बात कर रहे थे, बाकी ऐसे अन्य खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे आईवीटीवी, हीरा के साथ हम सुझा आईवीटीवी पटना।